अब बताओ यार, कौन बोलता है चर्चिस टूट जाएगा? कौन है? आ जाओ सामने। नो, गिरने नहीं देना यार। ऑफ रोडिंग करने में ना बहुत स्टैमिना चाहिए, ये चीज तो है भैया। इसीलिए जब भी आप ऑफ रोडिंग करने आओ तो खाना पीना खा के अच्छे से आना। ऐप में क्या तो शानदार लगता है पतरातू वैली, वाओ। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज फिर एक वीक के बाद आज वीडियो बनाने के लिए फिर से निकल चुके हैं हिमालयन पे, हिमालयन 450, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है भाई, क्योंकि इसका चेचिस शायद एक दो का टूट गया है। तो इसके बारे में भी पूरा बातें करेंगे और भी सारे कुछ में, हिमालयन में कितना मेंटेनेंस क्या है, कितना मेरे को हर महीने खर्च आता है इस बाइक पे, माइलेज क्या है, ये फिर से मैं आपको एक बार बताऊँगा। और देखो, मेरा गाड़ी टोटल 7300 किलोमीटर चल चुका है और यहाँ पर देखो मैंने अपना ब्लॉग लगा दिया है, तो आप इसको भी देखो और ये भी वीडियो देखो, इन्जॉय करो। तो चलो निकलते हैं। यह जय श्री राम, हर हर महादेव। 360 थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। ये एंगल भी सही है 360 का। चलो निकलते हैं। कैजुअल में था तुम पूरा? कैजुअल में हाँ, उधर जा रहा था, मतलब एकदम लग रहा था कि ऑफिस ऑफिस कहीं जा रहा है, बैंक। हाँ तो वी नो वी आर प्रोफेशनल। मतलब किधर जा रहा है? अभी तो जा रहे उधर ITBP तरफ। अच्छा, अकेले? हाँ, अरे हम सोलो आदमी है, सोलो ही जाते हैं भैया। रिकॉर्डिंग में बोलिए कुछ। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है। अच्छा, इंस्टा पे और यूट्यूब दोनों पे? दोनों पे। हाँ जी भाई साहब, तो मौसम बदल चुकी है अभी, पूरा ठंडे ठंडे हवा चल रही है, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हो जाता है। रांची में शाम होती है और 4 बजे के बाद बादल सा छा जाता है और गर्मी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ रहा है ना, लोगों का हालत ख़राब हो चुका है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। और बात कर रहे थे अपन हिमालयन 450 के बारे में कि भैया इसका मेंटेनेंस वगैरह कैसा है, क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ पता है अभी क्या हो गया है, इसका जो है एक प्रॉब्लम आ गया है चेचिस टूटने का। तो भाई ये चीज़ इतना ज़्यादा मेरे रील्स पे कमेंट्स आ रहे हैं या यूट्यूब के शॉर्ट्स पे कि भाई हिमालयन का चेचिस टूट जा रहा है, अब ये बाइक नहीं ख़रीदना है, दिस डैट बहुत सारा। तो भाई मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो चेचिस टूटा है ना, उसके अंदर देखो, मैं भी यही सुना हूँ कि आफ्टर मार्केट जो लेग गार्ड लगाया हुआ था उसके वजह से चेचिस टूटा है। तो अब ये चीज़ तो मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट, जिसको पता होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो उसके वजह से यार अपन हिमालयन लेना तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं जब से लिया हूँ तब से इतना रफली इसको चलाया हूँ, आप तो देखे ही होगे वीडियो में, तो मेरे को तो आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस बाइक में। बस एक राइड पुलिंग वाला है, तो उसका भी शायद सॉल्यूशन रॉयल एनफील्ड वाले ने निकाल दिया है, मैं उसको सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ तो अभी याद नहीं है मेरे को, ये चीज़ पूछना है और उस किट को इंस्टॉल करवा के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवाना है, उसके बाद फिर मेरे बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। फिर सिर्फ एक हल्का सा जो है आवाज़ जो आता है टैपेट नॉइज़, वो भी इस जब मैं सेकंड सर्विस कराया था तो कम हो गया है। होप सो इन फ्यूचर कि और अच्छा सोल्यूशन आ जाए इसका, ताकि पूरा ही ख़त्म हो जाए, तब तो एक नंबर हो जाएगा। और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है, बाइक चलाने में जो मज़ा आता है वो मज़ा और कहाँ इस सेगमेंट में, ऑफ रोडर टूरर बाइक जो बोल लो वो सही है, इस बाइक पे सूट कर जाता है। तो भाई मैं हिमालयन लिया हूँ तो इसको चलाऊँगा पूरा रगड़ के, और अब देखो फिर बताना चेचिस टूटता है कि क्या टूटता है। और ये लो जी, मैं कहाँ पहुँच गया वीडियो बनाते बनाते, पतरातू वैली, क्योंकि बार बार ITBP जा के थोड़ा सा बोर हो गया था, तो सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज किया जाए वीडियो लोकेशन। और देखो संडे के दिन कितना भीड़ रहता है यहाँ पे, संडे वाला शाम है
और काफ़ी लोग यहाँ पे मनोरंजन करने। ओ भाई साहब ये तो खतरनाक यहाँ पे भीड़ भरा हुआ है, पूरा आदमी लोग। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ से पूरा वैली का व्यू आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत आता है। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भीड़ लगा हुआ है। अभी मैं जाऊँगा अपने जगह पर जो मेन है ऑफ रोडिंग के लिए, वहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी छपरी लोग भी आते हैं, तो उन लोग से थोड़ा सा संभल के मेरे को चलना पड़ेगा। ऐसे तो लगता है शाम को नहीं आते होंगे, बट देखते हैं। अभी चलो निकलते हैं, वहाँ पे जाते हैं जो कि अपना फेवरेट जगह है ऑफ रोडिंग के लिए। तो भाई ये देखो मैं आ चुका हूँ अपने मेन ऑफ रोडर जगह पे, जो कि इसी में तो मज़ा है। वो एक फ़ोटो यहाँ जल्दी से ले लूँगा। ओह भाई साहब, वो अब बताओ यार, कौन बोलता है चर्चिस टूट जाएगा? कौन है? आ जाओ सामने। जल्दी से एक फ़ोटो ले लेते हैं, फिर बातें करते, नहीं तो शाम हो जाएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा फ़ोटो खिंचाने में। गाइस ये देखो, मैं एक बहुत ही प्यारे लोकेशन में आ चुका हूँ। पतरातू वैली का नदी है ये एक, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफ रोडिंग करते करते यहाँ पे आ गया हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ये नकल घाट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये नकल घाट कहाँ से लिया और कितने का है। तो भाई ये नकल घाट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, 2000 में आपको आ जाएगा ये। द मोड्स गुड़गांव, द मोड्स आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो उसमें मिल जाएगा, उसमें से आप बात कर सकते हो और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। 2000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। मैं इसको देख रहा हूँ यूज़ करके भी, और यहाँ पे देखो फिटिंग वगैरह सब कुछ इजी है, बस आपको एक बार टेक्निक आना चाहिए फिट करने का, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है नकल घाट, बहुत लोगों ने पूछा, सोचा मैं वीडियो में एक बार मेंशन कर दूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये मैं कहाँ से लिया हूँ। और ये देखो यार, हिमालयन क्या तो लग रही है यार, बीस्ट, ब्लैक बीस्ट है। वीडियो में पता है आपको पता नहीं चलता है इतना बड़ा बाइक है, लेकिन रियल में बहुत ही बड़ा बाइक है ये, और चलाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। ये देख सकते हो आप, फिटिंग बहुत ही बढ़िया है नकल घाट का। बाकी कुछ नहीं, बस यही सब आपसे शेयर करना था। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो कि लोगों ने पूछा मेरे को क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, कि भाई ये मेंटेनेंस क्या है इसका। मेंटेनेंस भाई इसका सर्विसिंग 5000 किलोमीटर पे है एक बार, जो कि रॉयल इनफील्ड का इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। 10000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, तो उसमें आपका पैसा बच जाएगा एक सर्विसिंग में। और ऐसे कोई खर्च नहीं है बाइक में, बस चैन ल्यूब, चैन क्लीनर वगैरह आप मेंटेन करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी 10000 किलोमीटर तक आप ब्रेक पैड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रेक पैड कैसे यूज़ करते हो, कितना ब्रेक यूज़ करते हो, कितना हार्ड ब्रेक यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपका मेंटेनेंस। हाँ, ब्रेक पैड इसका महंगा है, फ्रंट और रियर का ब्रेक पैड मिला के 6500 का ब्रेक पैड है, तो ये चीज़ बस थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बाकी और मेंटेनेंस ऐसा कुछ भी नहीं है बाइक में, नॉर्मली है। माइलेज भी 28-29 का दे रहा है मेरी बाइक, लगभग सबके हिमालयन का माइलेज वही है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हिमालयन को ले सकते हो। और रही बात चेचिस टूटने वाली, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक दो बाइक पे हो सकता है, मेरे को पता नहीं, बट ये एक नंबर है। और राइट साइड पुलिंग जो इसका है, वो भी सॉल्यूशन इसका आ चुका है। मैंने सॉल्व नहीं कराया, लेकिन बहुत लोगों ने कराया, मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, तो आप भी करा सकते हो। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है बाइक का, और क्या। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो चलो जी अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए। यहाँ से तो बाइक थोड़ा सा मोड़ना एक डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मोड़ देंगे, लेकिन उप्स शे नो यस नो नो नो, गिरने नहीं देना यार, थका देता भाई। ओ शिट यार, फाइनली थोड़ा सा और, यस हो, यही तो मज़ा है हिमालयन का भाई।
भी कहीं भी ये घूम सकता है। लेकिन पता है ऑफ रोडिंग करने में ना बहुत स्टैमिना चाहिए, ये चीज़ तो है भैया। इसीलिए जब भी आप ऑफ रोडिंग करने आओ तो खाना पीना खा के अच्छे से आना। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अब शाम भी हो चुकी है और बाइक के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर लेना। तो भाई अब वैली चढ़ रहा हूँ, देखो मैप में कितना शानदार लग रहा है देखने में, ये देखो मैप में क्या तो शानदार लगता है पतरातू वैली। वाओ सेंटर पूरा कर्वी रोड्स, ओ वाओ। तो चलो जी जल्दी से रांची पहुंचते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और हिमालयन आपको कैसी लगती है ये भी बताना, और कहां से आप वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना, और चैनल को क्या करना है पता है ना आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को पता चल पाए कि ARJ बाइक्स भी कोई है यूट्यूबर जो वीडियो बनाता है। भाई बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दो तो लोग जानेंगे तो देखेंगे वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो। कोई फोर्स नहीं है, जिसको अच्छा लगे। चलो फिर घाटी से निकलते हैं जल्दी से।